हाय एवरीवन, पहली बात तो भाई जो लोग ये वीडियो देख रहे हो कैट का फॉर्म भरने के वाले, पूरा वीडियो देखना एंड तक। इसको साइड में, अगर आप फोन पे देख रहे हो, फोन साइड में रख के हेडफोन लगा के पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। जितना मर्जी दिल कर इसको फॉरवर्ड करने का, फॉरवर्ड मत करिएगा। अगर आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो करते हो तो इतना अगर आप रिस्पेक्ट करते हो तो प्लीज़ ये वाला वीडियो पूरा देखना, ये मेरे लिए नहीं आपके लिए। बिकॉज 10% ऑफ माई स्टूडेंट्स एवरी ईयर दे गो एंड स्क्रू अप देयर कैट फॉर्म्स। और कोरा भर भर के अगर आप देखोगे कैसी कैसी मिस्टेक्स होती हैं। आई हैव हर्ड बाय मिस्टेक एंटर माई ग्रेजुएशन परसेंटेज इनकरेक्टली इन द कैट फॉर्म, विल देर बी एनी इश्यूज, हाउ डू यू करेक्ट द जेंडर मिस्टेक। मतलब साला इतना कोई बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि अपना मेल का फीमेल कर दिया। एनी विच वेज, इज देर मिस्टेक इन द कैट फॉर्म 10%, वॉट डू आई डू, आई हैड अ मिस्टेक वाइल एंट्री माई ग्रेजुएशन परसेंटेज। तो यार परसेंटेज के अंदर काफ़ी लोग गड़बड़ करते हैं। सबमिट, किसी ने रिप्लाई भी नहीं किया, ग्रेड परसेंटेज सबमिट, तो अपलोड द सिग्नेचर फोटो इंस्टेड ऑफ द पर्सनल फोटो। यार ये देखो, ये ऐसी मिस्टेक्स लोग करते हैं। आप सिलेक्टेड ओबीसी कैटेगरी इंस्टेड ऑफ, यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं इसलिए पूरा डिटेल्ड ऑफिशियल वीडियो देख के उसकी अंडरस्टैंडिंग करके वीडियो आपके लिए कर रहा हूँ। तो भाई बिल्कुल ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दूंगा, मेरा सिली मिस्टेक, स्काई ब्लू कलर फैक्ट, अबे यार क्यों करी तूने, जबकि मैंने वीडियो बताया था आपको क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लेट्स स्टार्ट बॉयज एंड गर्ल्स, एंड लेट्स स्टार्ट वीडियो ऑन हाउ टू फिल द कैट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, इंपॉर्टेंट डेट्स। कैट एग्जाम का डेट 19 नवंबर है, लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट 16 सितंबर है। अगस्त 5 से सुबह 10 बजे शुरू हो चुका है। मैंने आपको एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन दे दी थी, एक हफ्ते पहले भी आपको इंटीमेट कर दिया था। डाउनलोड स्कोर कार्ड होंगे 28 तारीख को, इसका स्क्रीनशॉट मार के मे बी अपने स्क्रीन में कहीं पे लगा लो, डेस्कटॉप पे लगा लो। अगर आपके डैशबोर्ड पे घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली बने हुए हैं तो उसको निकाल के आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर श्योर। आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 5 अगस्त को। नंबर वन, आपको इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना है, नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। नंबर वन, अपने आपको खुद को रजिस्टर करना है। पहली बात, आप वेबसाइट पे जाओगे, अपने आप को खुद को रजिस्टर करोगे, उसके बाद आप लॉगिन करोगे। इसके अंदर क्या स्टेप्स होते हैं मैं फटाफट बताता हूँ। अपने आप को लॉगिन करोगे, लॉगिन करके आप एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी बड़ा है, अच्छा है, लंबा है, मिस्टेक्स करनी इजीली आप मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए वीडियो देखना जरूरी है। ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिलेगा, विच इज़ ऑन द राइट हैंड साइड। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, ऐसा करके आपके पास न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा, उसके बाद रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद फॉर द नॉन आई एम इंस्टीट्यूशन, ये बात की बात है, पहले आप इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो भाई, ऐसे करके आपको इंस्ट्रक्शन आएगी कि भाई आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला, इसको इग्नोर मत करना। कई लोग इग्नोर करते हैं, मैं तो सफारी में कर रहा हूँ, मेरे पास मैकबुक है, मैं सफारी यूज़ करता हूँ, पर जब भी कहीं मुझे किसी कॉलेज का फॉर्म भरना पड़ता है तो मैं गूगल क्रोम से ही भरता हूँ। अगर लिखा है वर्जन 50 एंड अबव, अगर लिखा है भाई फायरफॉक्स, तो भाई तू सिस्टम अपना अपग्रेड कर और फिर ही करना, नहीं तो तेरी चेंजेस सेव नहीं होगी। तूने लिखा है 89% वहाँ आएगा 88.9%, तेरे को कुछ नहीं पता चलेगा। तो उन्होंने बोला है तब ये रिकमेंड करना है, तो यही करना है। नंबर वन, आगे बढ़ते हुए, ये आपकी वेबसाइट है। जैसे आप क्लिक करोगे रजिस्टर टू, तो यूजर नेम पासवर्ड के लिए आपको पूछेगा, ठीक है। तो रजिस्टर टू गेट द यूजर नेम पासवर्ड, टू गेट यूजर आईडी पासवर्ड आएगा। ऐसे करके नेम ऑफ द कैंडिडेट आपको डालना है, पूरा नाम डालिएगा, जैसा आपको भरना है 10th और 12th SSC सर्टिफिकेट में वैसे ही भरेगा। प्लीज़ अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, बिल्कुल अपना नाम लिख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना, अच्छे सेलेक्ट करना है, DDMMYY, आई रिपीट, डेट मंथ वाई, ये मिस्टेक करते हैं लोग। ईमेल एड्रेस आपका होना चाहिए, रिकन्फर्म करना है भाई। ईमेल एड्रेस प्लीज़ वही देना जहाँ पे आप ईमेल, वो सेम ईमेल में आप जंक ईमेल भी आपकी आती है वो मत देना। मम्मी पापा का ईमेल कोई लोग देते, बाद में बोलते हैं मैं ईमेल आईडी भूल गया, यार ये फुलिश मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे अनीशा मैम ने अपना डाला हुआ है, anishamukhija@gmail.com, फिर anishamukhija कंट्री का नाम डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ओ शिट, अनीशा मैम का मोबाइल नंबर लीक हो गया, ठीक है, ओके, ये एनमेट टॉपर है वैसे, एनी विच वेज, तो आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी चीज़ आएगी जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए कैप्चा आएगा। ये कैप्चा बहुत इजी चीज़ है, आप लोग जो अमेज़न वगैरह से शॉपिंग करते हो आपने देखा होगा कैप्चा, फ्लिपकार्ट भी बार बार आता है। पहली बात तो भाई, अपना पासवर्ड जो होगा उसको सेव करके रखिएगा, और जो भी आप पासवर्ड अपने लिए बनाएंगे, जैसे आपने इन्फॉर्मेशन डिटेल्स डाली आपका यूज़र आईडी क्रिएट हो जाएगा। ये यूज़र आईडी भी आपको याद रखना है, एक सेकेंड किधर गया, हाँ यहाँ पे आई हेयर बाई फॉर इन्फॉर्मेशन, वो सब सही है। तो यूज़र आईडी होगा 914, जो भी आपका मैम का नंबर ये है, और इनका ईमेल आईडी भी है, और इनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, और डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे दिख रही है आपको। पर्सनल डिटेल्स आपकी ऐसी दिखनी शुरू हो जाएंगी। नाउ दिस इज 5 स्टेप्स अप्रोच गाइस, यहाँ से थोड़ा फन स्टार्ट होता है और इंपॉर्टेंट स्टफ स्टार्ट होता है। तो आपको ये ऊपर एक बटन याद रख लेना भाई, फिल इन ऑल द रिक्वायर्ड डेट, अपलोड द स्कैंड कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट अच्छे से स्कैन कर लेना। कैम स्कैनर से स्कैन करते हो तुम लोग वो भी ठीक है, चल जाएगा, पर नीचे कैम स्कैनर लिखा होता है मुझे मज़ा नहीं आता, तो बाहर जाके अगर आप स्कैन कर सकते हो वो भी चलेगा। आजकल तो फोटो खींच के भी आप स्कैन करके ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो, वो भी ठीक है। एप्लीकेशन डू नॉट हैव टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म इन सिंगल सेशन, ये इंपॉर्टेंट बात है बॉयज एंड गर्ल्स।
आप बाद में भी कर सकते हो और इकट्ठे इकट्ठे करके सेव कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा एक ही सेशन में करिए, पहले फुल इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, पर जब भी आप करेंगे इन पांचों के पांचों ब्लॉक्स को आप दोबारा चेक करिए, एक ही बार में करेंगे तो बहुत बढ़िया रहा। एक बार दोबारा सुन लीजिए, वंस द पेमेंट इज मेड एप्लीकेंट विल नॉट बी अलाउड टू मेक एनी चेंजेस। समझ पा रहे हैं मेरी बात? एक बार तुमने पैसे दे दिए उसके बाद चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये भैया यहाँ पे आपको डिटेल्स देनी है, पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में क्या आता है, नाम आएगा, मॉम्स नेम आएगा, आप उनका नाम डालेंगे और आपका एड्रेस आएगा और स्टेट यूनियन टेरिटरी आएगा, सब कुछ डिटेल्स आएगी, सब कुछ आपको अच्छे से भरना है। और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका नंबर देंगे और एनसी ओबीसी कैटेगरी आपकी कौन सी कैटेगरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार। कास्ट सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। यार कई लोग अभी कास्ट सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं, मुझे अभी लड़के का फोन आया था 2 मिनट पहले, सर मेरा EWS का सर्टिफिकेट बना दूं क्या? यार प्लीज़ यार, झोल झपाटे के चक्कर में मत पड़ना। पिछली बार जमनालाल बजाज के 5 बच्चे, बड़ी हिडन बात थी, लोगों ने बताया नहीं ज़्यादा, जमनालाल बजाज के 5 बच्चे यहाँ पे रेक्टिफाई हो गए। नेवर एवर डू दिस मिस्टेक। मैं कभी भी किसी भी एथिकल अनएथिकल काम को प्रमोट नहीं करता हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट इज़ टू बी मैंडेटरी फॉर ऑल द कैटेगरी। इफ़ यू डोंट नॉट हैव देम, गेट दैट रेडी। प्लीज़ अपना बनवाइए अगर आपके पास नहीं है। और जो लोग का जेन्युइनली सर्टिफिकेट है पर तुम लोग बेवकूफ़ की तरह बनाने के लिए लेजीनेस कर रहे हो कि सर मेरा उस स्टेट में नहीं है, गांव जाना पड़ेगा, यार कैट में तुम्हारी पार्टी ऑन है, एससी एसटी ओबीसी जितने भी कैटेगरीज हैं, पीडब्ल्यूडी भी है, तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालना बहुत ज़रूरी है। ये अदर पर्सनल डिटेल्स के अंदर आएगा, जो भी आपकी सीरियल नंबर है, कास्ट का, ट्राइब है, वो आपको सब पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो कास्ट वालों के लिए एट द सेम टाइम गाइज, जिनको कुछ क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में नीचे कमेंट कर सकते हैं, पर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से अनिशा मैम के खुद बोल के उनको बोला कि भाई आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन दी जा सके। एट द एंड ऑफ द फॉर्म अटैच द पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट। पीडब्ल्यूडी जिनका है उनको एंड में, पीडब्ल्यूडी जिनका सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी कोटा होता है, 40% डिसेबिलिटी होता है, वो उसके अलग अलग रूल्स रहते हैं, वो लोग यहाँ पे अपना कोटा डालेंगे। तो भाई ये भी मैंडेटरी है टू गेट द स्पेशल बेनिफिट। अगर नहीं है तो लेके आओ, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, अपना कोटा चेंज नहीं कर सकते। वो करने के बाद आपको अपनी फ़ोटो डालनी पड़ेगी, आपकी फ़ोटो अपलोड होगी। फ़ोटो के भैया देख लीजिए, थोड़े रूल्स हैं, बड़ी गड़बड़ होती है बच्चों को। पहली बार प्लीज़ अपलोड रीसेंट फोटोग्राफ। भाई रीसेंट फोटो डालना 1970 की, यू नो, पुराने ज़माने की फोटो मत डालना। इट शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स ओल्ड। ये रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, पर कोशिश करो खुद ही खींचो और खुद ही उसको डालो, फ्रेश फोटो डालो। इट शुड बी हेड एंड शोल्डर कवर कलर। यार हेड एंड शोल्डर पूरा कलर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ फोटो 30mm x 45mm, ये लिख के अगर आप फोटो खिंचवाने जाएंगे तो लिख लेना। और मैक्सिमम साइज 1MB का, ये पंगा रहता है क्योंकि बड़े बड़े अगर आप अच्छे कैमरा से खींचते हो तो 2MB की फाइल्स भी हो जाती हैं, तो छोटा, ये साइज शॉर्टनर आता है, आप छोटा भी कर सकते हो। JPEG फॉर्मर और JPEG फॉर्म PNG सपोर्ट नहीं करेगा। प्लीज़ अपलोड द सेम फोटोग्राफ दैट यू विल बी फिक्स ऑन द एडमिट कार्ड ऑन द डे ऑफ द टेस्ट। ये बहुत ही अमेजिंग है। तो भाई इस फोटो की और कॉपीज रख लेना, ये बहुत मिस्टेक्स होती है। सर मैंने जो फोटो वहाँ लगाई थी और जो मेरी फोटो है दोनों अलग अलग है, अब क्या होगा? यार उस दिन पे मेरे को फालतू टेंशन नहीं लेनी है। जो जो 29th को जाएगा तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इंश्योर दैट फोटो इज स्कैन प्रॉपर्ली यूजिंग अ स्कैनर ओनली, डू नॉट मोबाइल मोबाइल एप्लीकेशन। तो लिख दिया भैया, कैम स्कैनर तुम नहीं यूज़ करोगे तो आप जाके दुकान पे जाके सब लोग इसको अपलोड करवाएंगे। और एंड में आपको सिग्नेचर करना है और फाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड करके आपको मैसेज आएगा। अब ब्राउज करेंगे और उसको क्लोज करेंगे, तो सिग्नेचर भी डालना आपका बहुत ज़रूरी है। यार ये सिग्नेचर भी कहीं पे रख लेना, मैंने देखा है बच्चों को बहुत गड़बड़ हो जाती है, तुम्हारी फोटो मिसमैच होता है, सिग्नेचर मिसमैच भी होता है। अकेडमिक सेक्शन डिटेल्स, यहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। दिस इज द टोटल मार्क्स, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स इंक्लूडिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, समझा, सबमिशन ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इंक्लूडिंग ऑल द इलेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 सब्जेक्ट है तुम्हारे 100 के नलायक हो तो सुन लो, कैंडिडेट शुड पॉपुलेट द मैक्सिमम इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट, समझा। तो कोई top 4 top 5 नहीं है, यहाँ पे टोटल मार्क्स की बात कर रहे हैं और मैक्सिमम मार्क्स का मतलब क्या है आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई अगर तुम्हारे फॉर एग्जांपल इफ द कैंडिडेट ऑफ 457 मार्क्स बाय इंडिविजुअल ऑप्टेंड इन द 5 सब्जेक्ट्स शुड पॉपुलेट द टोटल मार्क्स एज 457, मतलब यहाँ पे 500 लिखना है, यहाँ पे 457 लिखना है, 457। तो जैसे आप लिखते हो ना 457 आउट ऑफ 500 उल्टा लिखना है, पहले 500 लिखना है उसके अंदर से 457 लिखना है, समझ गया। तो भाई ये यहाँ पे फिर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है आपको .. फॉर्मेट के अंदर, यहाँ पे मेरे ख्याल से अपने आप आ जानी चाहिए, पर यहाँ पे नहीं तो आप कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि ऑल दोज इन द फाइनल ईयर अवेटिंग द फाइनल एग्जाम्स, जो लोग अवेट कर रहे हो, समझा, फाइनल रिजल्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हैव यू कंप्लीट योर बैचलर्स डिग्री, आर यू इन द फाइनल ईयर, येस आई एम इन द फाइनल ईयर, हैव यू कंप्लीट योर बैचलर्स डिग्री, आंसर आएगा नो, समझा, आंसर आएगा नो, समझ गए। आगे, इफ यू हैव द डुअल डिग्री विद बोथ द बैचलर्स एंड मास्टर्स,
अभी कम्प्लीट, अगर तुम्हारे पास डिग्री हाथ में आ चुकी है फिर आप यस करोगे, इसकी कुछ ज़्यादा किल्लत नहीं है। इफ़ यू हैव गॉट डुअल डिग्री विद बोथ द मास्टर्स, आईआईटी में ऐसा होता है, देन आपको अप्रोप्रिएट डिटेल्स डालनी पड़ेंगी नीचे मास्टर्स डिग्री। बाकी लोग जिनका नहीं है आप इग्नोर कर सकते हो, यहाँ क्लिक करोगे तभी आपकी मास्टर्स डिग्री खुलेगी, समझा। ऑल दोज पीपल हु आर इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे यस, और जिनके हाथ में डिग्री नहीं आया ऑफिशियली यहाँ पे आना है नो, आप यस भी कर सकते हो क्योंकि आपने पढ़ाई कंप्लीट तो कर ली है, इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों यस भी चलेगा, बट लेजिट इसका मतलब ये है मेरी कंप्लीट हो चुकी है, जब तुम्हारी डिग्री हाथ में आएगी तो ही, ठीक है। आगे चलते हैं, और जो लोग फाइनल ईयर से ग्रेजुएट हो रहे हो पर एग्जाम का रिजल्ट, उसका थोड़ा सा ध्यान से आपको लिखना है कि आपने कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट वन, हाउ टू फिल अप द कैट फॉर्म, भाई ये गलती मत कर देना, इसके बेस पे आपका कोटा मिलने वाला है। टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपका, जितना भी आपके नंबर्स काउंट होंगे, आप कौन से सेक्टर से आ रहे हो, अगर आप आईटी में है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विप्रो टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आपका काम है आप यहाँ पे लिख सकते हो, और जो भी आपका ब्रेक इन एक्सपीरियंस है क्या है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। स्टार्ट डेट लिखनी, एंडेड, बिल्कुल लेजिट लिखना, झोल झपाटा मत करना, बैठ के प्रॉपर करना, बच्चों का ये भी पंगा होता है बाद में जहाँ पे उनको अच्छे से मार्क्स नहीं मिल पाते। एफएमसीजी में क्या काम करना होता है, एफएमसीजी मतलब अगर आप प्रॉक्टर एंड गैंबल में काम कर रहे हो, डिटॉल में काम करो, रैकेट बेनकाइजर जो कि डिटॉल की पेरेंट कंपनी है, वो सब एफएमसीजी में आता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर आप मारुति में काम कर रहे हो, बैंकिंग फाइनेंशियल अगर आप बैंक में काम कर रहे हो, ड्यूरेबल्स में काम कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विप्रो, इन्फोसिस, एक्सेंचर में काम कर रहे हो, फार्मा में काम कर रहे हो, रिटेल में काम। एक क्वेश्चन मुझे बहुत आता है, सर मैं आईटी में काम करता हूँ विप्रो वगैरह में, पर मेरा जो क्लाइंट है वो हेल्थ केयर है, तो मैं क्या हेल्थ केयर लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकते बेटा, आप आईटी काम करते हो, आपका क्लाइंट हेल्थ केयर है, तो यहाँ पे हेल्थ केयर ही होगा। आगे बढ़ते हो यार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो कि आपको लिखनी है, टेस्ट सिटी। तो देखा जाए तो यार आपने क्या किया है, आपने एकेडमिक्स और वर्क एक्सपीरियंस वाले फॉर्म को फिल इन कर दिया, और प्रोग्राम्स कौन से डालने में वो भी बता दूँ। टेस्ट सिटी आपकी कौन सी होनी चाहिए, बॉम्बे और नवी मुंबई और थाने, जो भी आप डाल सकते हो यार, ये आपको डालनी मैंडेटरी है, तो ये जो भी आपको ऑप्शन आएगी प्लीज़ अपने आसपास डालना। फॉर्म जल्दी भर लीजिएगा, अगर आपने फॉर्म डिटेल लेट किया तो आपका प्रेफर्ड सिटी बहुत दूर आएगा और फालतू में किल्लत हो जाएगी आपको भी और आपके पेरेंट्स को भी, ये मैं नहीं चाहता आपको हो, ठीक है। और एंड में आप जब जाएंगे तो आपको ऐसे ओटीपी कैप्चा आएगा और उसके अंदर आपको फॉर्म डालना है और एंड में सबमिट करना है, सबमिट करते ही आपको यस एग्री करना है, आपको एक ईमेल भी आ जाएगी, जो भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे आप वो अच्छे से देंगे। एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस करी जो कि मैं आपको बताना चाहता था, वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पे जो आपका सेक्शन, दूसरा वाला सेक्शन है विच इज़ ऑन द प्रोग्राम्स, कौन से प्रोग्राम्स डालने हैं। देखो एमबीए को पीजीपी बोलते हैं इंडिया में, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पीजीपी, आपको सिर्फ पीजीपी सिलेक्ट करना है, आपको पीएचडी वो सब सिलेक्ट नहीं करना है, वो सब बेवकूफ़ी है। आप क्यों कैट पेपर सेटर वाले को भी फॉर्म जो बैठ के बेचारा एक्सेल शीट में डाउनलोड करके चेक करेगा किस बच्चे ने कहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, तो उसको बड़ी किल्लत हो जाएगी। तो आप सिर्फ पीजीपी डालेंगे जो कि पीजीपी प्रोग्राम आईएम्स का होता है। कौन से आईएम्स सिलेक्ट करने हैं, उसमें आप सारे आईएम्स सिलेक्ट कर सकते हो, सारे आईएम्स। कई लोग रिकमेंड करते हैं सारे आईएम्स सिलेक्ट करो, सारे प्रोग्राम सिलेक्ट करो, अरे यार तेरे को पीएचडी नहीं करनी ना, तू एलिजिबल नहीं है, तू 21 साल का बच्चा है, 22 साल का बच्चा है, तो पीएचडी क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। दिमाग से सिलेक्शन करना, आई रिपीट, पीजीपी इज द प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल द आईएम्स। तो बच्चों ये वाला फॉर्म आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मैं आपको ऑल द बेस्ट करना चाहता हूँ, बट एक चीज़ आपके दिमाग के अंदर डालना चाहता हूँ, ये फॉर्म इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर कैट। 2.4 लाख बच्चे कैट देते हैं, उसके बाद 6,000 आईएम्स हैं, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली टोटल अराउंड 20,000 बच्चों को तो कॉलेज आती ही आती हैं जिनका 90% के ऊपर स्कोर आ जाता है। तो ये फॉर्म्स में गलतियां मैंने आपको दिखा दी है, प्लीज़ आपका मुझे फ़ोन ना आए कि सर मैंने ये वाली गलती कर दी है, नहीं करनी है आपको गलती। एक बार फॉर्म करके भर के रख लो, बिट्स एंड पीसेस में भर के रख लो, नहीं तो आप संडे को फॉर्म भर के पूरा का पूरा अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के, मॉम एंड डैड के साथ बैठ के उसको भरवाइए। मैं हमेशा जब भी मुझे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम करना होता है तो मैं हमेशा अपने पेरेंट्स, अपने डैड, बिकॉज माई डैड यूज़ टू वर्क इन अ बैंक, एंड उनके साथ बैठ के मैं, यू नो, ही इज़ वेरी मेटिकुलस व्हेन इट कम्स टू थिंग्स, तो मैं गलती ना कर पाऊँ। मैं तो टिकट बुक करने में भी अपनी डेट की गलती हो जाती कभी कभी, तो यार ये तो हमारी ज़िंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई लोग बच्चे बोल इसको डिले करते रहते हैं कि यार मैं अगले मंथ करूँगा। देखो आप कर सकते हो, पर मैं टारगेट दूंगा आपको, आप अगस्त मंथ के अंदर इसको क्लोज कर लीजिए। काफ़ी शुभ मंथ होता है अगस्त, नाम भी अगस्त का मतलब भी अच्छा होता है, विच इज़ एन इंग्लिश वर्ड, आई थिंक इट्स अ ग्रीक वर्ड। तो यार आप इसी मंथ के अंदर इसको खत्म करिए, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। और अगर आप चाहते हो कुछ क्वेश्चन हो, इस वीडियो के नीचे मैं आपके जितने भी, आपको विल वर्क ऑन अ हेल्पलाइन लाइक दिस हेल्पलाइन फॉर्मेट, आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए, मैं या मेरी टीम में से कोई आपको पक्का रिप्लाई कर देगा विद इन 24 आवर्स। तो ये ऑफिशियल वीडियो से ऑफिशियल स्क्रीनशॉट मार के मैंने आपके लिए बनाया,
है, तो इसलिए वॉट एवर गिवन इज देयर इज अप टू द स्पीड, अप टू द मार्क, इसी को आप रेफर लेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस, होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, इफ यस प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।